एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रेलर के बाद अब बारी है पठान के टाइटल सॉन्ग की। इस खास मौके पर होने वाला है रिलीज। पठान का तूफान शुरू हो गया है। अभी तक जो जो चीज पठान से रिलीज हुई है वो सब ब्लॉकबस्टर रही है, चाहे वो फिल्म का टीजर हो, गाने हो या फिर ट्रेलर, हर चीज को दर्शक ने काफी ज्यादा पसंद किया है। यहाँ तक कि पठान से जो जो रिलीज हुआ है उन सब ने रिकॉर्ड बनाया है। कोई भी चीज एवरेज नहीं रही। ट्रेलर, गाने, टीजर सब चार्टबस्टर साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पठान का तूफान अभी भी जारी है। सिर्फ ट्रेलर के बाद ये फिल्म का तूफान खत्म नहीं हुआ। अभी अगले हफ्ते ये फिल्म से एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले हफ्ते पठान का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया जाएगा, और ये टाइटल सॉन्ग ना तो डांस सॉन्ग होगा और ना ही रोमांटिक सॉन्ग, बल्कि ये टाइटल सॉन्ग होगा एक्शन से भरपूर, जिनमें हमें शाहरुख खान का स्वैग और एक्शन देखने को मिलेगा, और बैकग्राउंड में पठान का टाइटल ट्रैक और BGM बजेगा। जब ये गाना रिलीज होगा आपको पठान फिल्म देखने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि गाने को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। और इससे पहले भी यशराज ने ये फिल्म का ऑडियो वर्जन तो रिलीज कर ही दिया है। जी हाँ, आप जब पठान का ज्यूक बॉक्स सुनोगे तो इसमें जो तीसरे नंबर का सॉन्ग है वो पठान का टाइटल सॉन्ग है, जो कि काफी खूबसूरत है, जिनमें इस गाने का म्यूजिक और लिरिक्स काफी तगड़े हैं, और ऑडियो वर्जन सुन के लगता है कि ये गाना काफी एनर्जेटिक रहने वाला है। वैसे भी पठान से अभी तक जो रिलीज हुआ है वो सब एनर्जी से भरपूर था, और शाहरुख खान की हर चीज में काफी एनर्जी भी देखने को मिली थी। जब शाहरुख खान ने बेशरम रंग में अपना स्वैग दिखाया, किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये एक्टर की उम्र 57 साल होगी। और जुमे जो पठान में जिस तरीके से डांस किया उसकी भी काफी तारीफें हो रही है, और ट्रेलर का तो क्या ही कहना, ट्रेलर ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। शाहरुख खान जो एक्शन किए हैं, जो उनका लुक है, जो डायलेक्ट डिलीवरी की स्टाइल है, वो एक एक चीज पर फैंस फिदा हो गए हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो बता दें कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 25 जनवरी। फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम और सलमान खान भी रहने वाले हैं। सलमान खान का भी ये फिल्म में 20 मिनट्स का कैमियो होगा, और वो कैमियो काफी धमाकेदार रहने वाला है। फिल्म का डायरेक्शन दिया है वॉर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म ने। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा पठान का ट्रेलर, और आप कितने एक्साइटेड है पठान के आखिरी सॉन्ग को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।